आपने अभी बताया हमें सामाजिक स्थितियाँ, या भगवान बुद्ध के काल में सामाजिक स्थितियाँ किस तरह से थी महिलाओं की? बुद्धकालीन समाज ये जो था वह जाति व्यवस्थाओं में विभाजित था, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। और हम देखेंगे कि यह जाति प्रथा समाज के उस प्रत्येक वर्ग में फैली हुई थी जिसे अस्पृश्य कहा जाता था। यह समाज कई विभागों में विभाजित था, उन्हें अपने वर्ग के आधार पर जिस व्यवसाय चुने जाते थे और वही व्यवसाय करना उनका कार्य था। हम देखते हैं कि ये जाति भेद का ये जो ये था बहुत ही समाज में बहुत दूर तक फैला हुआ था। यह जाति व्यवस्था के कारण कई पुरुष और महिलाएं ये जो थी उनका जीवन बहुत ही हीन हो गया था। बुद्ध के कालीन जो अस्पृश्य थे, उन अस्पृश्यों को सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन लोगों को विशेषता जो पुरुष थे वो पुरुषों को एक लाल कलर का, लाल रंग का एक धागा बांधा जाता था और वो धागा या फिर लाल कलर का कोई कपड़ा हो उसे सिर पर बांधना और उसके कपड़े जो रहते थे वो कपड़े घुटने के ऊपर पहनना पड़ता था उन्हें। तो ऐसी वेशभूषा जिसकी रहती थी वो अस्पृश्य समझा जाता था और वही वेशभूषा करना उन लोगों को अनिवार्य था। और वे लोग ऐसी ही वेशभूषा करते थे और वेशभूषा के कारण उन वो लोग बाकी लोगों में सबसे पहले दिखाई देते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जाति व्यवस्था समाज में हर वर्ग में तो थी लेकिन महिलाओं में विशेषता, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी, समता नहीं थी, बंधुता तो थी ही नहीं। तो इस तरह से ये जो सामाजिक मूल्य थे इन सामाजिक मूल्यों का कोई भी अर्थ तब समाज में नहीं था क्योंकि ये महिलाएं जो थी ये जाति व्यवस्था से बहुत ही विषम परिस्थिति में थी क्योंकि तब चांडाल, निषाद, पुक्कुस इस तरह की कई जातियां समाज में थी और इन चांडालों को उनके नाम से ही संबोधित किया जाता था। कई ऐसे लोग थे उन्हें उनके वेशभूषा से ये इस जाति का है इस तरह से समझा जाता था। और स्वतंत्रता का तो अभाव था ही, उसके साथ साथ ये समाज अपने व्यवसाय में खुद जो परंपरा से जो व्यवसाय आया है उसी को करना इनके लिए अनिवार्य था। इसके साथ साथ ये जो दासी प्रथाएं थी, दासी प्रथाओं भी थी इसमें, उसके साथ साथ समाज में तब गणिकाओं का बड़ा प्रचलन था। गणिका समाज में बहुत सी गणिकाएं थी, जो गणिकाएं हमारे समाज में हम देखते हैं कि इन गणिकाओं का बड़ा सम्मान, जो कि राज गणिकाएं थी, इन गणिकाओं का बड़ा सम्मान समाज में होता था। ये गणिकाएं हम देखते हैं कि ये गणिकाएं जो वैशाली की नगर वधु थी आम्रपाली, इस आम्रपाली का बड़ा सम्मान होता था। इतना ही नहीं तो ये आम्रपाली जो थी वह इतनी धन संपत्ति कमाती थी और उसका रहन सहन और उसका ऐश्वर्य भरा जीवन यह बहुत ही सुंदर था। एक हमारे जातक कथाओं में एक हमें उदाहरण दिखाई देता है कि राजगृह से कई ऐसे लोग आते थे जो कहते थे कि वैशाली नगर देखने के बाद, उसका ऐश्वर्य संपन्न वैशाली नगर देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे राजगृह में भी ऐसा ऐश्वर्य संपन्न राजगृह होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो वो जब देखते हैं कि वैशाली का सम्मान, उनकी सबसे बड़ी वैशाली की नगर वधु जी गणिका जो आम्रपाली इसके कारण बहुत बढ़ा है, तो वो देखते हैं कि ये गणिका किस तरह से अपने कला का आविष्कार लोगों के सामने प्रस्तुत करती है तो इसके कारण उस राज्य का सम्मान बढ़ा था। तो वे अपने राजगृह वापस आते हैं और अपने राजा को कहते हैं कि महाराज, उस वैशाली जैसी राज गणिका की तरह क्यों ना हमारे भी राज्य में एक गणिका रखी जाए। तो तब वे कहते हैं कि जो हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाए। तो इस तरह से तब राजघराने की, राज्य की, राजगृह की राजगणिका करके सालवती नाम की गणिका को सम्मानित किया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर थी। तो हम देखते हैं कि इस तरह की राजगणिकाओं का सम्मान बड़ा था बुद्धकालीन समय में। और हम पाते हैं कि राजगणिकाओं के भी यानी जो पुत्र हुए
उन्हें भी बड़ा सम्मान मिला। जैसे कि अभी मैंने कहा कि सालवती नाम की गणिका यह राजगृह की राजगणिका थी, उस सालवती नामक गणिका का पुत्र जो हुआ वह जीवक, जिसे हम राजवैद्य के तौर पर सभी विश्व जानता है, यह जीवक बहुत ही बड़ा राजवैद्य बना। तो ये उस राज्य गणिका के पुत्र को भी बड़ा सम्मान मिला। इस तरह के कई उदाहरण हम लोगों को बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। राजगणिकाओं का तो सम्मान स्त्री के तौर पर होता ही था, लेकिन जो सर्वसामान्य गणिकाएं थी उनका उसका हम बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ ऐसे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सर्वसामान्य गणिकाएं केवल अपने अर्थार्जन के लिए वो गणिका बनती थी। इसका मतलब कई ऐसी गणिकाएं भी थी जिसका ही जीवन बड़ा हीन था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गणिकाओं का जीवन केवल राजगणिकाओं को सम्मान था, सर्वसामान्य गणिकाओं को उतना मान सम्मान नहीं मिलता था। यह एक हुई बात। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय परितक्त्या जो महिलाएं थी, उस परितक्त्या महिलाओं का प्रमाण हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये इस कारण हुआ कि तब बहुत से पुरुष महिलाओं को त्याग कर, अगर किसी स्त्री को अगर पुत्र नहीं होता है तो बहुत से पुरुष उस स्त्री का त्याग कर देते थे। इसके बाद हमें ऐसे कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि छोटी सी बात का भी अगर कुछ हुआ, छोटी सी बात अगर उनके परिवार में हुई तो छोटी सी बात को लेकर भी कई पुरुषों ने अपने स्त्रियों को त्याग चुके हैं। एक तो बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि एक महिला केवल अपने पति का मायके चली जाती है और उसका पति उस महिला को अपनी पत्नी को लेने के लिए दूध भेजता है, लेकिन वो महिला नहीं आती है। दूसरी बार भी भेजता है, तीसरी बार भी भेजता है, लेकिन वो नहीं आती है। तो केवल नहीं आती इस कारण वो पुरुष उस महिला को त्याग देता है। ऐसी कई महिलाएं थी जो छोटी छोटी बातों की शिकार बने और परितक्त्या जीवन बिता रही थी। और हम पाते हैं कि कई ऐसे पुरुष थे जो पुरुष भिक्षु संघ में दाखिल हुए, ऐसे कई पुरुष थे। तो भिक्षु संघ में दाखिल होने के कारण कई ऐसी महिलाएं परितक्त्या कहलाई कि जो बाद में उनका जीवन बड़ा दयनीय रहा। कई हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं कि उन पुरुषों ने अपनी महिलाओं को त्याग दिया और भिक्षु संघ में शामिल हो गए, उसके बाद उन महिलाओं ने भी भिक्षुनी संघ में स्थान पाया। इस तरह के भी कई उदाहरण मिलते हैं। लेकिन उस समय समाज में परितक्त्या महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ने का कारण यही था कि उस समय की सामाजिक परिस्थिति ऐसे थी कि उन महिलाओं को बड़ा हीन जीवन जीना पड़ता था। अगर उनके बच्चे रहे तो और उनका जीवन बड़ा दुखमय होता था। तो इन्हीं कारण इन महिलाओं का जीवन बड़ा कष्टप्रद हुआ। और ऐसी सामाजिक परिस्थिति में कई ऐसे हम लोग उदाहरण देखेंगे कि महिलाओं को बाहर, जैसे कि हम कहते हैं अपने शहर के बाहर रहना पड़ता था, कई ऐसे कठिन कार्य करने पड़ते थे जो कि वे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी खेत में मजदूरी करना। इस तरह से कई ऐसे महिलाएं थी जिन्हें उनके पति दास रहने के बाद अगर कोई ऋण रहा उनके ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर, तो वो फेड़ नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वे ऋण फेड़ने के लिए उस महिलाओं को उसका ऋण चुकाने के लिए उस घर में रहना पड़ता था और गुलामी का जीवन जीना पड़ता था। इस तरह से भी कई महिलाएं ऐसे थी जो गुलाम थी, दासी थी। इस तरह का प्रचलन समाज में हम लोगों को कई जगह पर दिखाई देता है।